हमारी न कोई पंचायत है, न कोई धरना है, न कोई प्रदर्शन है, केवल ये लॉकडाउन में जो हमने देखा था देश की सड़कों पे किसान और मजदूरों के बेटे के साथ अन्याय हो रहा था, पिट रहे थे, पैदल चल रहे थे 900 किलोमीटर से, तो हमारे कलेजा जल रहा था। इसलिए जन जागरण अभियान, किसान मजदूर व्यापारी जगे और उस लॉकडाउन में हो रही बेइज्जती हुई कि नहीं हुई जी। हुई बेइज्जती, उस बेइज्जती के खिलाफ लॉकडाउन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महाभारत होगा। भानु प्रताप सिंह उस महाभारत में अर्जुन की भूमिका में रहेगा। द्वापर युग का महाभारत, उसमें खून खराबे हुए थे, लेकिन अब संख्या बल पे महाभारत होगा। करोड़ों किसान मजदूर उस महाभारत में पहुंचेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं रहेगा, और किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं करेगी। जैसा कि आप लगातार धरना प्रदर्शन और रैलियां निकालते रहते हैं, तो किसानों की तरफ से क्या आपकी मांग है? किसानों की तरफ से मांग ये है कि किसानों को 60 साल पूरी कर ले, किसान मजदूर कोई भी, तो 10,000 रुपया केंद्र सरकार को हम बनाते हैं, हम बनाने वाले हैं सरकार को, और MLA MPO को हारने के बाद भी पेंशन दी जाती है, और हम बनाने वाले हैं, हमें कुछ नहीं दिया जाता, इसलिए MLA के बराबर मजदूर 10,000 रुपया जीवन यापन भत्ता 60 साल उम्र पूरी करने के बाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कुछ आड़े नहीं आने दिया जाएगा, सबको 60 साल पूरी करने के बाद जीवन यापन भत्ता केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। ये भानु प्रताप सिंह की मांग है और भारतीय किसान भानु की मांग है, ये बताने आए थे।